क्या यहाँ पे कोई प्रशासन ही नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहा है, सभी इधर देखभाल तोड़ता रहे हैं। खुद ही कमी यहाँ पर, प्रशासन बहुत कमी है, सिस्टम सही किए नहीं है, सिस्टम सही यहाँ पर हुआ नहीं है। उनको अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो आप लाइन से कतार बना देते, और आर्मी वाले जब आर्मी भर्ती हम लोग देते हैं वैसे दुगना 10,000-20,000 लड़के फिर भी हैंडल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एक रोजगार के नाम पे बुलाकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रोजगार के नाम पे युवाओं को ठगा गया है? जी सर बहुत बिल्कुल ठगा गया है हम लोग को, बुलाकर इतना भीड़ तहसील वाइज कराना चाहिए, कम भीड़ होना चाहिए, बाकी बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, फार्म भी नहीं मिल रहा है हम लोग को, और बुला भी कैसे दिया जा रहा है, फार्म ऊपर सर लोग आ रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है, उसमें इतना ज्यादा लड़के हैं, हाथ टूट जाएगा, गिर जाएगा उसमें, तो कोई व्यवस्था सही नहीं है सर। सिस्टम रहता, रजिस्ट्रेशन फार्म मिलता तो बच्चे कम से काउंटर वाइज या लाइन से लाइन या डेट वाइज लगाए होते, देवकली ब्लॉक, सादात ब्लॉक, तमाम जो है सर मनिहारी, इस सिस्टम से नहीं किए। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे पिछली सरकार दावा करती थी और युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था, ये भी वही देखा जा सकता है? बिल्कुल झूठा वादा हो रहा है, बिल्कुल रिएक्शन हुआ है, नौकरी के नाम पर रिएक्शन हुआ, बच्चों में जो है हताशा हुआ। तो भगदड़ होगा ही, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के मैनेजमेंट की दोषी है, हम किसका दोष दें? व्यवस्था आप यहाँ नहीं समझ, जो यहाँ हुआ है इसके लिए आप लोग किसको दोषी मानते हैं? मैं यहाँ का व्यवस्था को दोषी मान रहा हूँ। व्यवस्था मन कौन, जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन भी है, जिला प्रशासन भी है। जी, इतनी भीड़ जब इकट्ठा है, जब मेला लगवा रहे हैं आप, तो उसके लिए यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की कि ताकि ज्यादा से ज्यादा, कुल मिलाकर माना जाए कि योगी जी के कार्यक्रम को जो यहाँ, योगी जी के कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए ऐसा किया गया है, पुलिस प्रशासन ने किया, सारे लोग किए हैं, इसमें सभी दोषी है। क्या नाम है आपका? जय उमा शंकर भारती पुजारी, बड़ा महादेवा मंदिर।